नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहाँ जान मारा गया है? पेपर लीक के बाद 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द हो गई थी। नए तारीखों के ऐलान भी हो गए थे, लेकिन नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को पटना में जमकर हंगामा किया। परसेंटाइल सिस्टम लागू होने और दो पालियों में होने वाली परीक्षा का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल इसी महीने 20 और 22 तारीख को 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है। इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इसके अलावा दो दिन में परीक्षा आयोजित करने का जो निर्णय बीपीएससी की ओर से लिया गया है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। बोर्ड के इस दोनों निर्णय को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें धांधली होने की आशंका है, यही कारण है कि वो विरोध कर रहे हैं। पटना में जुटे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा एक दिन ही आयोजित की जाए, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाए। दो दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी तो दोनों दिन परीक्षा का सवाल का लेवल अलग अलग होगा, इसलिए दो दिन की जगह परीक्षा एक ही दिन ली जाए। इन दोनों मांगों को लेकर बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पटना में ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, उस दिन भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। पटना के एडीएम के सिंह ने एक छात्र को बुरी तरीके से मारा था कि खून निकल गया था। इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बीते 8 मई को 67वीं पीटी का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद सभी सेंटर्स की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब वही परीक्षा ली जा रही है। यही परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन आयोग के अपने तर्क हैं। आयोग के मुताबिक परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक दिन में परीक्षा लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए दो दिन में परीक्षा ली जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीपीएससी जैसे परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो जाता है? क्या सरकार और सरकारी तंत्र सो रहे हैं या कोई और वजह है? आए दिन पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी पीटते रहते हैं, उनका क्या होगा? ऐसे सवालों का जवाब कौन देगा?